हेलो एवरीवन, मैं हूं तनु। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग फिर से लेके आई हूं। तो मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूं। तो मेरे घर की साफ़ सफाई हो रही है। तो ये पूरा किचन में पसारा फैला हुआ है, सारे बर्तन निकाल के डब्बे विब्बे सब घस गए हैं। तो आज चालू है साफ़ सफाई। आज पानी भी आया था इसके लिए, सब बर्तन ये डेली यूज़ वाले हैं। अरे यहाँ पे डब्बे सब रखे हुए हैं, ये सारे डब्बे धुल गए हैं। कपड़े भी सुबह सुबह ही सब धुल गए, आज पानी सुबह ही सुबह आया था। तो सारे डब्बे धुल गए हैं, सूखने के लिए इसको रखे हैं कि सूख जाए। तो फिर से सूख गया है, तो अब इसको लगाने के लिए कपड़े भी सूख गए हैं। सोना शुरू हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मौसम भी बहुत, हवा चल रही है। ड्रम रखे थे सब पूरा उड़ गए थे, वापस मम्मी ने रखा। कपड़े भी जल्दी जल्दी उठाए, कपड़े भिग जाते। और आज काम भी बहुत हो गया था घर का, साफ़ सफाई चालू थी तो मैं वापस सो गई थी। अभी सो के उठी हूँ मैं। कपड़े रखे, बर्तन सब कुछ जाली में लगाए, चाय बनाई। रौनक चली गई आंटी के घर पे। आज जो सुबह से आंटी के घर पे ही थी, आंटी के घर पे खाई भी, आंटी के घर पे सोई भी थी। ये पूरा जाली का बर्तन सब कुछ धुले, सब कुछ मम्मी सेट की हैं, पूरी किचन ही साफ की। आज आया था चूड़ी वाला बाहर बेचने के लिए, तो हम लोग ने, मैं और आंटी चूड़ी लिए। तो मैं कुछ इस तरह से चूड़ी ली हूँ, मुझे ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो ये हाथ में पहनने के लिए दो ये मैं चूड़ी ली। ये देखिए, मैं जब शादी हुई थी मेरी, तभी मैं ली थी अपने लिए चूड़ी। और फिर मार्केट में इसको बहुत ढूंढी लेकिन मुझे इधर मिली नहीं। दो तीन जगह मैं पूछी थी, पर कल आया तो 80 रुपये बोला। तो मैं बोली कि दे दो, दो ली। साथ में ये कड़े भी लिए। अभी नहीं जा रही है, बाद में इसको पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मुझे बहुत सुंदर लगी इसलिए मैं इसको ले ली। और मुझे एक ली, ये बहुत सुंदर लगा इसके लिए मैं इसको भी ले ली। 200 रुपये बोल रहा था, मम्मी ने बोला 100 रुपये, मैंने फिर दे दिया। इसको मैं पहन के दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा एक हाथ पे वॉच पहनती हूँ, एक हाथ पे ही चूड़ी, इसलिए मम्मी बोली तुम पहनती हो एक हाथ पे तो ले लो। तो ये देखिए ऐसी कुछ दिख रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैं ले ली। और मैं ऑनलाइन एक चीज़ और मंगाई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फेस पे लगाने के लिए मंगाई हूँ, मीशो से ही ऑर्डर की हूँ। देखें, अभी आज दोपहर में पार्सल आया है। ये टेबलेट खाने की टेबलेट नहीं है, फेस पे लगाने के लिए है। ये एक टेबलेट है, इसको पानी में डाल के पूरे फेस पे लगाने के लिए। अभी इसका रिजल्ट देखूँगी कैसा है, पर बहुत लोगों ने इसको मंगाया था, दो तीन ने उसमें देखी मैं, तो बहुत ही अच्छा था। तो मैं सोची चलो मैं भी अपने फेस पे एक बार ट्राई करती हूँ। अभी इसको यूज़ नहीं की हूँ, आज ही तो है दोपहर में। तो इसको 20 टेबलेट है इसमें, तब इसको फेस पे लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये मुझे 150 में मिला, मीशो से ही मैंने इसको भी मंगाई 150 में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हाथ में। मैंने दोनों हाथ के लिए लिया है, लेकिन मैं पहनूंगी सिर्फ एक हाथ पे ही पहनूंगी। दोनों इसको भी पहनूंगी, पर मैं आपको इतना ही दिखा रही पहन के। ये थोड़ा साइज मुझे छोटा लग रहा है, मुझे 2-8 लगती है, लेकिन इसमें इसकी चिट में 2-6 है, 1-2-8 है और 1-2-6 है। वहाँ पे देखिए दोनों 2-8 था, पर लेने में बोला कि उसकी पन्नी चेंज हो गई है, अभी पता नहीं कि कौन सा क्या साइज़ है। तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं कांच की चूड़ी शुरू में पहनी हूँ बहुत, पर अभी ज़्यादा मुझे आदत नहीं है पहनने की चूड़ी। गांव में जाती हूँ तो वहाँ इतना इतना पहनती हूँ,
इधर नहीं पहनती, यहाँ सिर्फ कंगन ही पहनती हूँ। इसको ऐसे कंगन के साथ सेट में भी लगा के पहन सकती हूँ, अगर कंगन लगाना है, चूड़ी खाली चूड़ी नहीं पहननी, कंगन भी, तो इसके साथ में ऐसे सेट लगा के पहन सकती हूँ। तो ये हो गई मेरी चूड़ी। हाँ हाँ गाइस को सारी चूड़ी दिखा दी। गाइस पूछ रहे थे रौनक कहाँ है, क्या कर रही हो, वो क्या बोले, रौनक से बात करवा दो। हाँ। बात करो ना गाइस से, क्या बोल रहे हैं गाइस से। नहीं, मैं ये गई थी घूमने के लिए, इसको पकड़ के लेके आई तो बहुत रो रही थी, बोलती है मुझे बात नहीं करना गाइस से, ऐसे बोलता है कोई क्या। हाँ। कैसे बोलती हो, बोलती है मुझे बर्थडे में जाना है, पता नहीं किसके बर्थडे में जाएगी। नहीं बोली, नहीं बोली, बहुत परेशान करती है ये, बहुत ज्यादा। हाँ। अरे वो खाने की टेबलेट नहीं है बेटा, वो फेस पे लगाने की है मम्मा की। नहीं छोटे बच्चे नहीं लगाते हैं ना, बड़े बच्चे। हाँ बड़े बच्चे, जब आप बड़े हो जाओगे ना फिर। हाँ। मम्मा आपको दिला देगी, ठीक है ना, शॉप से। नहीं तुम छोटे हो जाओगे फिर तुम्हारी तुम्हारी मम्मी नहीं देगी। हाँ नहीं देगी। दे। चलिए मैं इसको रख देती हूँ। जूते जिद कर ली थी जूते के, इसे मैं चूली की जिद कर ली थी आज, और चूली ये बहुत रो रही थी, बोली मम्मा मुझे भी ले दो, लेकिन ये पहनेगी नहीं क्योंकि इसको मैंने चूड़ी पहनाई नहीं कभी भी, वो हाथ में नज़र का वही पहनाई, बहुत रो रही थी। फिर इसको ये चूड़ी अंकल लेके दिए, बोले मैं लेके दूंगा, तो ये बहुत ही अच्छी इसके हाथ पे लग रही थी, पर ये किसके अंदर का वो जो है उसको चुभे नहीं, पर पहनाई नहीं, थोड़ा सा पहनी नॉर्मल, बोली मम्मा मेरी चूड़ी रख दो, ये मेरी रौनक की चूड़ी है हाथ में उसको पहनने के लिए। देखो गाइस मैं कैसे पहनती हूं, ऊपर से दिखाओ गाइस को, तभी ना गाइस देखेंगे। हाँ ये हो गई मेरी रौनक की चूड़ी। हाँ। इसमें भी पहनो। हाँ अभी दिखाओ गाइस को, ये देखो, ये देखो गाइस मेरी रौनक की चूड़ी, ये खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। अच्छा अच्छा लगता है खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी बात होती है ना। नहीं मामा ऐसे करते हैं ना, गंदे बच्चे करते हैं। हाँ ऐसा गंदे बच्चे करते हैं, आप तो गुड गर्ल हो ना। हाँ। ऐसा नहीं करते हैं, गंदे बच्चे करते हैं। हाँ गंदे बच्चे करते हैं। और मैं, आप गुड गर्ल हो, ठीक है मामा। चलो गाइस से सब्सक्राइब कर लो। हाँ सब्सक्राइब छपने आपको, आप लोग वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो ब्लॉग नहीं मिलता। बाय बाय, चैनल का गाइस देखना, चैनल छप तुम्हारा कैसा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम मेरा सब्सक्राइब करना, और ना ब्लॉग। रौनक के लिए अंकल के यहाँ से चौकोस गई थी लेने के लिए, अंकल कॉल किए थे, बोले चौकोस लेके आओ, रौनक को दूध में भिगा के खाती है, खाना थोड़ा कम खाती है इसके लिए, दूध में डाल के उसको भिगा के दे देती हूँ, दूध भी पी लेती है और चौकोस भी खा लेती है, खाने में नॉर्मल थोड़ा सा खाती है, शुरू से ही वो खाना बहुत कम खाती है, कितना भी उसको मारो वो करो पर नहीं खाना, इतना ही थोड़ा सा खाई मम्मा मेरा पेट भर गया, तो चौकोस लाई अब उसको दूध में भिगा दूँगी तो दूध भी पी लेगी और इससे चौकोस भी खा लेगी, बहुत नखरे करती है वो। आज कपड़े सब साफ सफाई हुई घर की, तो पूरे कपड़े भी निकाल के ये गोनी में भर के झोले में मम्मी निकाल दी, किसी को दे देंगी नहीं तो जला दूंगी, बहुत सारे कपाट में भर गया था, बोली जो नहीं पहनना है, पहनने वाले ही थे सब अच्छे अच्छे हैं, पर बोली खाली करो और इसको कोई आएगा मांगने के लिए तो दे देंगी नहीं तो फिर जला दूंगी, बहुत ज़्यादा हो गया था कपड़े और जगह भी नहीं थे, तो साइड साइड में डालने के लिए बोले जो पुराने कपड़े हैं उसको निकाल दो और नए जमा दो। मौसम ऐसा है शाम टाइम तो बहुत इतनी ठंड हवा चलती है, बाहर तो लगता है एसी है, अंदर बहुत बिल्डिंग के अंदर बहुत गर्मी लगती है। 5 बज रहे हैं अभी, शाम का टाइम ऐसा हो गया है।
धूप इतनी नहीं थी आज, आज नीचे कोई भी नहीं बैठा है। नहीं, यहाँ पे 4 बजे से भाई लोग बैठ जाती हैं, कष्ट हो जाती हैं, पर अभी कोई भी नहीं बैठा है। बैठा है जॉन, जॉन किधर गए थे घूमने, ये फिर से जाने लगा है। जॉन, जॉन तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, बना लेती हूँ खाना। मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।